गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवम फैक्टर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS RRB के बारे में। अभी हाल ही में इन्होंने नोटिस जारी किया है। IBPS ने काफ़ी समय बाद अपना मुंह खोला है और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, तो अच्छी बात है, लोगों की थोड़ी खलबली मिटी है। अगर देखा जाए तो इनमें ये कह रहे हैं, फर्थ डॉर नोटिस डेटेड 10/8/2020 ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू होल्ड द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अंडर CRP RRB 9 ऑन 12/9/2020 एंड 13/9/2020। इसका सीधा सीधा मतलब है कि RRB 12 सितंबर और 13 सितंबर को एग्जाम नहीं करा पाएगा कुछ कारणों से। ठीक है, आप कारण जानते हैं क्या है, COVID-19 हर जगह फैला हुआ है। लेकिन ये गौर करने वाली बात है, अगर हम पुराने डेट्स की बात करें, जो इन्होंने प्री एग्जाम्स के जो डेट बताए थे वो 19 को हैं और 22 और 26 को भी है शायद, तो उन डेटों उन तारीखों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि RRB का प्री का एग्जाम 19 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो दो डेट्स हैं इस पर ये बता रहा है कि एग्जाम नहीं करा पाएंगे IBPS, तो हम काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं हमारे लिए कि IBPS RRB के एग्ज़ाम जो है 19 से स्टार्ट हो जाए। तो फिर भी हमारे पास अभी 12 दिन बचे हुए हैं, तो बिना समय गवाए, हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ लोगों को समय दे दिया है जो प्रिपेयर कर रहे हों कि आप थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, तो बिल्कुल ये बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है और इसमें जो 12 दिन बचे हुए हैं इसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और बिल्कुल 99% श्योर रहिए कि ये 19 से एग्जाम करवा देंगे, क्योंकि उन डेट्स को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे तरफ से आपको यही सलाह है कि आप तैयारी करते रहिए और तैयारी को अपने और अच्छे से मजबूत कर लीजिए, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए अपना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।